हेलो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 10। हम निकल चुके हैं उमरांग सू की ओर। हमें क्रॉस करके जाना है पानीमूर, उससे आगे और 2.5 घंटे का रास्ता है। तो क्या क्या मिलेगा स्पॉट मैं आपको दिखाते जाऊंगा। ये वही रास्ता है सेम जहां से हम लास्ट टाइम पानीमूर गए थे, उसी रोड से हमें क्रॉस करना होगा। देन फिर आपको पानीमूर क्रॉस करने के बाद ही आपको उमरांग सू मिलेगा। तो आगे दिखाता हूँ क्या क्या। ये देखो बंदर, इतने सारे बंदर हैं। और अगर और एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप उमरांग सू फैमिली को लेके जाओगे या बच्चों को लेके जाओगे तो ट्रैवल ना ही करें, क्योंकि रास्ता आपको पानीमूर तक अच्छा मिलेगा, उसके आगे बहुत ही ख़राब रास्ता है। सामने एक हमें एक्सीडेंट मिलता है, वो आपको दिखाता हूँ। ये ट्रक ड्राइवर ने कुछ गाड़ी को ठोकी है शायद, जिसके वजह से उसको उतार के पीट रहे हैं। और यहाँ के लोग बहुत ख़तरनाक हैं। ये जगह ही ऑलरेडी बहुत खतरनाक जगह है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ नहीं तो मैं उतना बोलूंगा नहीं, लेकिन ट्रेवल करना बहुत दिक्कत भाई। उसकी धुलाई हो रही है आपको जाते वक्त इससे भी खराब रास्ता आगे मिलने वाला है। आप 20 से ऊपर स्पीड चला ही नहीं पाओगे गाड़ी में। और बताना चाहूँगा, आप जाओगे तो आपको साथ में खाने का सामान लेके जाइए, क्योंकि रास्ते पे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। और समझ लीजिए 2.5-3 घंटा आपको आगे जाके हमको छोटे छोटे गांव मिलते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा सुनसान है कि ऐसा लगता है जैसे रॉन्ग टर्न मूवी आपने देखी होगी, उस तरह से कोई अटैक करने आ जाएगा। मैं तो डर गया था भाई, थोड़ी देर रुकने के बाद मैं समझा कि निकल लेता हूँ यहाँ से। आज इतना अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि बच्चे ने 2 बार उल्टी कर दी, ऊपर से रोड भी बहुत खराब है। तो जैसे तैसे जा रहे हैं, एस्टिमेशन के हिसाब से कुछ चल नहीं रहा है, इतना टाइम लगता है। लेट्स सी, 2 बजे तक शायद पहुंच जाएंगे, क्योंकि रोड बहुत खराब है। ये सामने जो आपको दिख रहा है वो है डालमिया सीमेंट का फैक्ट्री, वही क्रॉस करके हम जाएंगे। रास्ता खराब है, लेकिन यहाँ से व्यू जो देखने को आपको मिलेगा ना, और ये पेड़ों को देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली एक दर्द भरा रास्ते से गुजरते हुए निकले तो हम फाइनली पहुंचे हैं अभी पुलिस स्टेशन। इससे थोड़े से आगे जाके हमें एक अच्छा रास्ता मिलता है, ये रास्ता है, आपको दिख रहा होगा। अब ये रास्ता अच्छा ही है, काफी देर बाद तो ये चौक मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ आई लव उमरांग सू। कहाँ जाना है, किस तरफ? चढ़ाई चढ़ते हुए जाना है हमें। एक और लोज वाले सारी, पहले हम जाएंगे गोल्फ फील्ड, उसके बाद फिर लेक पे जाएंगे। तो ये रास्ता हमें सीधा गोल्फ फील्ड लेके जाएगी। तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले फैल्कन फेस्टिवल भी हुआ था, उसी फील्ड में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। लोग कह रहे हैं वहाँ जा सकते हो आप लोग देखने के लिए, तो देखते हैं क्या है वहाँ। हम पहुंच चुके हैं, ये यहाँ पे एंट्री पास देके जाना होगा। बहुत ही सुंदर दिख रहा है बाहर से, अंदर जाके दिखाऊंगा आप सबको। बहुत बुरा लग रहा है यहाँ सुनने के बाद कि पानी सूख गया है। हालांकि जिसको देखने के लिए इतने दूर से आया, लास्ट में पानी सूख गया कह रहे हैं। तो पानी दिखाने और कहीं आपको लेके जाऊंगा, उससे पहले ये आप ये फील्ड को देखो कितना सुंदर है। इतना दिन नहीं कर सकता है साथ में चलता हुआ। बंद कर। बहुत बुरा लगा जब ये सुनने को आया कि उमरांग सू में पानी सूख चुका है, और ये एक्चुअली ये सीजन नहीं है जाने का। तो तब भी मतलब
इतना दूर ट्रेवल करके इतना मेहनत के बाद अगर फाइनली आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है तो बहुत बुरा लगता है। तो वहाँ नहीं जा पाए तो पास ही में एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे बोला है कि आप लोग जाके देख सकते हो, तो वहीं जा रहे हैं, आपको भी ले जाता हूँ। यार बहुत सुंदर है, बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं पिक्चर्स में देखते हैं ना बेसिकली, तो उसी तरह दिखने में सेम टू सेम, आप आँखों के सामने ऐसे ही नहीं लग रहा है कि मैं सच में ऐसी जगह पे हूँ। इतनी सुंदर है और यहाँ बहुत शांति है, शांति सुंदर। और आगे जाके यहाँ से फॉल है, लेकिन देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं। तो अंदर आके ऐसा आपको दिखने को मिलेगा, ये हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद डायरेक्ट चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना भी सही नहीं है, तो हमें और आगे जाना है। तब तक देखिए नज़ारा यहाँ का, इसको बड़ा मज़ा आ रहा है, देखो पूरा पोज देते हुए चल रही है। जादू जादू लेकिन यार सच में देखने लायक है, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। काला यार वो पूरा ठीक कर। फाइनली वही घटिया वाला चलने का पोज देने का मन किया। सही में यार इसको वीडियो बनाना नहीं आता है, मेरा दिमाग गर्म हो गया इतनी दूर आने के बाद, तो मैंने फोन ही छीन लिया। अभी हम यहाँ से रिटर्न वापस जाने लगते हैं, जितनी दूर आए थे उतनी देर वापस जाना 2.5 आवर्स इजी नहीं है, बट जाना तो है ही। और यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा देर रुकना सेफ़ नहीं है, बिकॉज हमें ये रोड से ट्रेवल करके जाना है, रोड का कंडीशन भी ठीक है नहीं, तो इसी से आगे जाके हम एक जगह रुकते हैं खाने के लिए। कुछ खाया नहीं, फाइनली हमें मिलता है एक ढाबा जहाँ पे हम खाएंगे शेर ए पंजाब। चलो पहली बार खा रहा हूँ यहाँ, तो अंदर जाकर दिखाता हूँ। मलिनी खाने के बाद हम वहां से निकल पड़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे बहुत, और हमें पहुंचना भी था यहाँ से, और 3 आवर्स की जर्नी है। और साथ ही में अभी खाना खाए थे जहाँ पे शेर ए पंजाब रेस्टोरेंट में, इतना ख़ास खाना था नहीं। और बताना चाहूँगा आप सबको कि ये ट्रिप पे अगर आप हो जाए होके जाना चाहते हो उमरांगसू, तो मत जाओ, बिकॉज़ बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैवलिंग होगा आप लोगों के लिए, रास्ता ठीक है नहीं, और बेटर नॉट टू गो। थैंक यू, गुड नाइट।